दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के फटाफट 50 ऐसे प्रश्न जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में इन प्रश्नों की याद जरूर आएगी। दोस्तों आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं सीजेट का या यूपी टेट का, एमपी टेट का, केवीएस का या राजस्थान टेट का, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। वीडियो को पूरा देख कर जाना, पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और काफी बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हम देंगे यहाँ पर जो है पर्यावरण क्या है, एनवायरमेंट क्या है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, जो हमें चारों ओर से जो चीजें घेरी हुई है, वनस्पति, प्लांट, पेड़ पौधे, माउंटेन, ये सभी को आप कह सकते हैं ये पर्यावरण है। आई थिंक चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वन प्रदेश कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और कौन सी ऐसी गैस है जो जीवधारियों को देते हैं? तो दोस्तों वो ऑक्सीजन गैस जो है वो जीवधारियों को प्रोवाइड करते हैं, जीवधारियों को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन सा प्रदूषण होता है? दोस्तों इन सभी गैसों से वायु प्रदूषण होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पर किस प्रदूषण को मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो दोस्तों जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे आप जल प्रदूषण माप सकते हैं। अगला आता है पेन। भाई बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला है पेन क्या होता है। दोस्तों ये होता है आपका पॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जो दोस्तों एक प्रकार का वायु प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र नागपुर में। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो दोस्तों ये करती है रक्षा परावैगनी किरणों से। अब दोस्तों ओजोन परत कहां पर पाया जाती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर, अगर हम कहें यहाँ पर समताप मंडल पे, दोस्तों ये देखने को आपको मिल जाती है ओजोन परत। ये चीजें आप थोड़ा सा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो भाई दो गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, पहली नाइट्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। भाई आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आपको बताना चाहूंगा प्रकाश के प्राकृतिक के कारण जो होता है आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों सभी जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर आपको ये बताना चाहूंगा ये एक सम्मेलन था, स्टॉकहोम सम्मेलन, वहां पर 5 जून 1972 1972 को ये डिसाइड किया गया था इस सम्मेलन के दौरान कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। तो सम्मेलन याद रहेगा, स्टॉकहोम सम्मेलन। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या दोस्तों घटता है? जितना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा उतना ज्यादा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो क्या होता है, बढ़ जाता है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? भी आप तो जानते हैं सभी वृक्ष पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है, पर एक सफेदा वृक्ष होता है, सफेदा कहें या आप कहें यूकेलिप्टस, ये जहां भी लगता है दोस्तों उस भूमि के पानी को सुखा देता है, उस भूमि के पानी को सोख लेता है, इसलिए यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? दोस्तों ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे कि सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर आ जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण क्या होती है, वापस नहीं जा पाती है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसे समझते हैं अच्छे से। दोस्तों क्या होता है, जो प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के ऊपर कुछ इस तरह का आवरण बना देती है, अब सूर्य की रोशनी आ गई है अंदर, पर ये जब वापस जाएगी ना तो यहां तक वापस जाएगी और उसे टकरा के फिर से वापस आ जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है ये गर्म बना रहता है और अधिक गर्मी पड़ती है पृथ्वी में, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होती है। तो आई थिंक चीजें समझ में आई होगी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एकदम क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अगर हुआ है तो दोस्तों जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग में वन अनिवार्य है? तो दोस्तों लगभग 33% के आसपास वन क्षेत्र होना चाहिए। ग्रीन पीस क्या है? भाई एक प्रकार की पर्यावरण योजना है, एक पर्यावरण योजना को हम लोग ग्रीन पीस के नाम से जानते हैं, ये बात आप लोग बिल्कुल याद रखना। चिपको आंदोलन दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? तो वनों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। उत्तराखंड राज्य में यह आंदोलन हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों 1980 में भारत सरकार ने ये पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP
का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? भाई यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है दोस्तों, और इसका जो मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा केन्या नैरोबी में। इज दैट क्लियर? ये मैक्सिमम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भाई फोटोकॉपी मशीन से जो गैस निकलती है वो किसको नुकसान पहुंचाती है? तो दोस्तों वो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को शामिल किया गया था? विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा दोस्तों इसमें जो प्रतीक था वो था पांडा। भारत में कौन सा राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव बनाना किसने प्रारंभ किया था? के एम मुंशी ने वन महोत्सव बनाना प्रारंभ किया था। किस वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड में। सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन काल से जो वृक्ष उगाया जा रहा है वो है खजूर का, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सफोकेशन क्या होता है दोस्तों? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जीवों में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो प्रभाव होता है उसे हम सफोकेशन कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, काफी अहम क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार ये। जलवायु परिवर्तन किन गैसों की भूमिका होती है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उनकी अहम भूमिका होती है, और ओजोन का जो क्षय हो रहा है, ओजोन जो छिद्र हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो भाई वो CFC के कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये हो रहा है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ कहाँ से निकलता है भाई? संयुक्त रूप से अगर देखें तो दोस्तों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके रेफ्रिजरेटर से, फ्रीज से, या एयर कंडीशन वाले AC से, परफ्यूम से, इससे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन होता है। अब आगे चलें दोस्तों हम यहाँ पर, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? भाई अगर ग्रीन हाउस प्रभाव कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है तो दोस्तों जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर मतलब जो ध्रुवीय इलाके होते हैं, जो बर्फीले पर्वत पहाड़ होते हैं, उनकी बर्फ कंटिन्यूसली पिघल रही है, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन कारण। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? भाई वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दोस्तों सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। बायोटेक्निकल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भविष्य के ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई हाइड्रोजन को आप भविष्य का ईंधन कहते हैं। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? तो भाई ओजोन परत जो है इसे हम पर्यावरण के रक्षा कवच के नाम से जानते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों रेड डाटा बुक जो है इसमें विलुप्त होने वाले पौधे भी रहेंगे और जीव भी रहेंगे, जो प्लांट्स है और जीव दोनों जो विलुप्त की कगार में है, जिन्हें बचाना बहुत जरूरी है, उन्हें इसमें शामिल किया गया है रेड डाटा बुक में, और इन जीवों को पिंक कलर से इसमें शो किया गया है, याद रखना पिंक कलर से शो किया गया है। विश्व की सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? वही मेक्सिको सिटी जो है दोस्तों ये विश्व का सबसे प्रदूषित नगर माना जाता है, याद रखिएगा ये भी। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये विस्कोसिन में स्थित है। आगे देखिए हम CNG का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो कंप्रेस नेचुरल गैस हो जाएगा। ध्वनि का अगर प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो लगभग अगर 60 या 65 डेसिबल के ऊपर हो गया है तो इसे हम ध्वनि प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए भाई आपको पता है जल प्रदूषण को मापने के लिए आप BOD का यूज करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है? ताजमहल पीला पड़ रहा है अमली वर्षा के कारण। अमली वर्षा जो है ये कहीं ना कहीं मार्बल को, और दोस्तों जो हमारी इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनके मार्बल को इफेक्ट कर रहा है, मार्बल को क्षय करता है, जिसके कारण क्या हो रहा है ये पीला पड़ता चला जा रहा है। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो दोस्तों ये जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं ये बाह्य वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलेगा बेंगलोर में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपका अहमदाबाद में। इंदिरा गांधी वानिकी अकेडमी
ये कहाँ पर है ये आपको देखने को मिलेगी देहरादून में। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है तो 21 मार्च को। और भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये देहरादून में देखने को मिलेगा, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे आपके सुपर फास्ट 51 क्वेश्चन, और ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी से आशा करते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये PDF आप तक टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। एक टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है, वहां भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी से कहूंगा कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ठीक रात 9 बजे आए आप लोग लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।